कांग्रेस को मिला उपराष्ट्रपति का साथ, मोदी और शाह के उड़े होश। कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस मामले में पुलिस की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेता गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं ने उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। इस दौरान न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हिरासत में लिए गए सभी कांग्रेस नेताओं को अवैध रूप से रखा गया था, कोई मामला दर्ज नहीं किया गया। हमारे नेताओं को अस्पतालों में जाना पड़ा, कुछ की पसलियां टूट गई। हम उपराष्ट्रपति राज्यसभा सभापति के पास अपील करने आए हैं क्योंकि हमारी रक्षा करना उनका कर्तव्य है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा कि पुलिस ने बिना किसी लिखित आदेश के सांसदों को 8 से 12 घंटों के लिए हिरासत में लिया। उन्होंने उन्हें भोजन और पानी से वंचित कर दिया। और जब सांसदों ने पूछा कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। यह स्पष्ट रूप से स्वतंत्रता का उल्लंघन है, हर मौलिक अधिकार का हनन हुआ। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने अभी हाल ही में राज्यसभा के सभापति से मुलाकात की और पुलिस ने पिछले 3 दिनों से जिस तरह से कार्रवाई की है उस पर लिखी शिकायत दी है। उन्होंने दोनों सदनों के सांसदों से मारपीट की, उन्हें हरियाणा की सीमा तक दूर ले गए। वहीं कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी द्वारा राहुल गांधी से पूछताछ करने पर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा के खिलाफ ज्ञापन और शिकायत पत्र देने के लिए पार्टी कार्यालय से राजभवन तक मार्च निकाला गया है। बेंगलुरु ईस्ट के DCP ने कहा कि एथसिस ने पहले आदेश दिया था कि फ्रीडम पार्क को छोड़कर कहीं भी विरोध प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। हमने उन्हें इसकी जानकारी दी, उन्होंने हमें विरोध के बारे में लिखित में दिया लेकिन हमने इसे खारिज कर दिया। हमने उन्हें सुबह भी बता दिया अगर वे आगे बढ़े तो हम उन्हें एहतियातन हिरासत में ले लेंगे।